नमस्कार, स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल चैनल में। मैं सुरेश सेवलिया और आज मैं बताऊंगा आपको लाइट फिटिंग का जो बोर्ड है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, और बहुत आसानी से हम उसको कनेक्शन करेंगे दोस्तों। और आपको ये समझ में आएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें। दोस्तों, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा और ये बोर्ड आप देख रहे होंगे, इसमें सॉकेट लगी हुई है और स्विच लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं आज इसी बोर्ड के बारे में बताऊंगा आपको, तो कृपया मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, स्किप ना करें, स्किप करो तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये सॉकेट स्विच लगे हुए हैं, ये बोर्ड है, ये सॉकेट है, इसमें 3 सॉकेट है और ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। सॉकेट को हम ऑन ऑफ करेंगे और ये स्विच है तीनों। ठीक है दोस्तों, आपने देखा, अब चलते हैं हम इसके पीछे की तरफ। ये जो स्विच है दोस्तों और ये सॉकेट है, इसमें भी सॉकेट में भी एक ये अर्थिंग वाले हैं, ऊपर वाला पॉइंट जो मोटा वाला है ये अर्थिंग का पॉइंट है दोस्तों। और ये इसमें दिख रहा है, बताएंगे ये इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें लेफ्ट सॉकेट का जो लेफ्ट साइड वाला है ये लाइन का है और ये राइट साइड का जो न्यूट्रल का है। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल लाइन और न्यूट्रल का है और ऊपर वाला अर्थिंग का है। ठीक है दोस्तों, इस सॉकेट में आप देख रहे होंगे 440 वोल्टेज 6 एम्पियर का है और ये एसी का है, एसी सप्लाई के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया होगा दोस्तों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये अर्थिंग का पॉइंट है दोस्तों, ये लाइन का है, ये न्यूट्रल का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉकेट में हम लाइन और न्यूट्रल देंगे और स्विच में हम एक स्विच होता है, हम ओनली इसमें फेस का कनेक्ट करेंगे। ये देखो, ये सॉकेट में आपको बता रखा है, ये देखो दोस्तों, ये मैंने बोर्ड आपको दिखा दिया है, हम इसका वायर कनेक्शन करेंगे, आप कृपया देखते रहें। ठीक है दोस्तों, पहले इन जो भी टर्मिनल्स को इनको हम लूज़ कर लेंगे, इसमें हम वायर लगाएंगे, तो मैं एक बार सबको लूज़ कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं लूज़ कर रहा हूँ और आप देखते रहिए मेरा चैनल एस के इलेक्ट्रिकल। आपकी वजह से ही मुझे उम्मीद है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे विश्वास है आपको समझ में भी आ रही होगी। अगर आपको मुझे मुझसे कोई गलती हो या फिर कोई गलती आपको लगे गलत कर रहा हूँ, तो कृपया आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल का वायर है जो मैं सब 3 सॉकेट है उस पर मैं लगा दूंगा। सॉकेट में क्योंकि न्यूट्रल चाहिएगा, इसलिए मैंने तीनों में, ये देखो, तीनों पे सॉकेट पे मैंने न्यूट्रल लगा दिया है दोस्तों। ये काला वाला वायर है ना, ये न्यूट्रल का वायर है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लगा दिया है इसमें, और मैं अब जो स्विच है उनमें फेस का वायर लगाऊंगा, उसको कॉमन करूंगा दोस्तों। तो आप देखते रहिए मैं इसको कैसे कॉमन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, तो मैं इसमें इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं ये लगा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ स्विच के अंदर। ये देखो, मैंने एक स्विच में कर लिया है, नीचे की तरफ मैंने लगाया है, इसमें नीचे ऊपर तक कैसे भी लगा सकते हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से है, लेकिन नीचे लगाओगे तो बेटर रहेगा, इसलिए मैं नीचे ही लगा रहा हूँ। तो इसी तरह से मैंने तीनों स्विच में मैंने कॉमन, ये फेस का जो रेड वाला वायर है मैंने इसको कॉमन कर दिया है तीनों में। ठीक है दोस्तों, मैंने तीनों को सीरीज में जोड़ दिया है इसको। ठीक है दोस्तों, अब मैं जैसे ही मुझको ये स्विच में जैसे भी मेरे को अलग अलग सेपरेट वायर चाहिए अलग अलग स्विच के लिए कनेक्ट करना है, तो मैं हर सॉकेट को एक स्विच से कनेक्ट करूँगा। जैसे 3 सॉकेट है तो 3 स्विच को मैं एक एक सॉकेट एक एक स्विच से कनेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी में यही कर रहा हूँ दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे, हम ये देख रहे हैं सर, ये देख रहे हैं दोस्तों आप, इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर एसी सप्लाई के लिए ही है। तो
मैं इससे ही आपको इंडिकेटर चला के भी बताऊंगा और स्विच से सॉकेट का उपयोग कैसे करते हैं या स्विच स्विच से सॉकेट कैसे लाते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। और मैं इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, इंडिकेटर से भी स्विच को इंडिकेटर से भी चला के बताऊंगा, क्योंकि इसमें सॉकेट है, इसी वजह से आपको थोड़ा समझ में थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो, लेकिन ये जब आप ही अगर ये वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो समझ लिया तो समझो को आप कोई सा भी बोर्ड अच्छी तरह से उसका कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद के साथ बोलता हूँ अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, अगर समझ में नहीं आती तो एक बार नहीं दो बार इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं, तो अब मैं इसके स्विच ये जो मैंने इसके स्विच से और इसके सॉकेट में मैं इस कनेक्ट करूँगा दोस्तों। तो मैं ऐसे ही तीनों में ही तीनों स्विच है, तीन सॉकेट है, तो हर स्विच को एक सॉकेट से कनेक्ट करूँगा, वो भी सप्लाई के लिए। जब मैं स्विच ऑन करूँ तो मेरे सॉकेट में सप्लाई आए और मेरा जो भी इक्विपमेंट हो चालू हो जाए, वही सिस्टम है इसमें भी। जब हम चार्जिंग करते हैं स्विच दबाते ही अपना चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही सॉकेट है। सॉकेट से भी मैं सॉकेट से स्विच से मैं सॉकेट में सप्लाई दूंगा, जैसे स्विच चालू करोगे तो इसमें सॉकेट है ना उसमें सप्लाई आ जाएगी, तो वही सिस्टम है इसमें दोस्तों। और मैं आपको वैसे भी करके बताऊंगा, जो डायरेक्ट स्विच से मैं एक इंडिकेटर चला के बताऊंगा, तो उस वीडियो देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है सॉकेट के अंदर, देख रहे होंगे आप, तो मैंने इसीलिए ऐसे ही दूसरा भी कनेक्ट कर लूँगा इसको, दूसरा स्विच दूसरे सॉकेट से कनेक्ट करूँगा, दूसरे स्विच दूसरे सॉकेट के लिए लिए आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने कर लिया है। और ये मैंने तीसरे को भी मैं सॉकेट में लगा देता हूँ दोस्तों। मैं फिर से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें दोस्तों। उससे क्या होगा, जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये मेरी सप्लाई का दोस्तों एक नूटल है और एक फेस है जो मेरे हाथ में ले रखा है, तो उसको क्या करूँगा मैं MCB में कनेक्ट कर दूँगा दोस्तों। मेरी सप्लाई आएगी MCB से आएगी, तो मैं इसको MCB में कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैं MCB में इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने इसमें टाइट कर लिया है। ये इसमें न्यूट्रल मैंने लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने ये लगा दिया है, अब मेरा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है सॉकेट तक। जैसे अगर सॉकेट को ऑन करेंगे, मतलब ये एक्सटेंशन बोर्ड है दोस्तों, जो कंप्यूटर घर पे हम कहीं भी ये मतलब कि एक तरह से समझ लो कि इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से आप ख़रीदोगे तो उसमें वायर भी ख़राब आते हैं और ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाता है। ये अगर घर पे बनाओगे तो अच्छा चलेगा और अच्छी सप्लाई देगा, अच्छी सर्विस देगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ये मैंने इसमें लगा दिया है, मैंने MCB ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने MCB ऑन कर दिया, आप देख रहे होंगे। मैं इसमें आपको टेस्टर में मेरा टेस्टर जलेगा इसमें, ये देखो टेस्टर में मेरी जो LED लगी हुई है जो ग्लो हो गई है, ये देखो दोस्तों, ये जो लाइट मेरे टेस्टर में, ये देखो सप्लाई जो आ रही है सॉकेट के अंदर, मेरा जो टेस्टर जल रहा है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्त ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस चीज़ को, ये देखो तीसरे सॉकेट के अंदर भी मेरी सप्लाई इसमें आ रही होगी, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा आप, तो मैं इसको क्या करता हूँ, उसको उठा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों आपको दिख गया होगा, ये देखो मैं जैसे स्विच ऑफ बंद करूँगा तो बंद हो जाएगा, ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसी सॉकेट के अंदर एक इंडिकेटर जला के बताऊंगा, जो आपको दिखेगा स्विच से सॉकेट सॉकेट से अब कैसे इसको जलाते हैं। ये देखो मैंने सॉकेट में इसमें लगा दिया है दोनों वायर, और ये इंडिकेटर है अपना,
और मैं स्विच को ऑन करूँगा। ये देखो स्विच ऑन करते ही मेरे ये इंडिकेटर ऑन हो गया। ये देखो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो इंडिकेटर से मैंने डायरेक्ट सॉकेट में लगाया है। अब मैं आपको बताऊंगा स्विच से कैसे कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसका जो न्यूट्रल है इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे और जो फेस होगा हम उसको स्विच के आउटपुट से दे देंगे। जो मैंने सॉकेट को ऑन करने के लिए ये लगाया था वैसे ही हम इसको इंडिकेटर ऑन करने के लिए स्विच के आउटपुट से हम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैं न्यूट्रल को डायरेक्ट कर रहा हूँ, न्यूट्रल को डायरेक्ट लगा रहा हूँ। और लगाने के बाद में और मैं अब इसको जो इसका जो फेस वाला वायर है जो इसमें ब्लू ब्लू वायर ले रखा है इसको मैं क्या करूँगा, जो कोई से भी स्विच के आउटपुट से मैं लगा सकता हूँ जैसा भी सूटेबल रहेगा मैं उनको। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए मेरा वीडियो, स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ या हम कैसे लगाएंगे इसको, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये लो मैं इसमें लगा रहा हूँ। मैंने लगा दिया है, सॉरी ये, हाँ दोस्तों, तो मैंने ये जो फेस वाला वायर है मैंने लगा दिया है स्विच के आउटपुट में। ये देखो मेरी ये जो डायरेक्ट मैंने स्विच से इंडिकेटर को ऑन करने के लिए इसको सप्लाई दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको देखेंगे, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे चालू करना है। तो ये मैंने लगा ही दिया है और मैं इसको सीधा रख लेता हूँ। ये मैंने बोर्ड को सीधा कर लिया है जो मैंने इस स्विच से दिया है इसको सप्लाई, वो डायरेक्ट स्विच से ये इंडिकेटर ऑन ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये मेरा स्विच चालू था इसलिए ऑन हो गया। ये देखो ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको समझ में आएगा दोस्तों। कृपया मेरी, मैंने बहुत मेहनत की है, एक लाइक तो ज़रूर करिए और जिसे जो नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।